दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों अगर आप हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की फील्ड में तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस तरह की मोबाइल अनलॉकिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलती हैं। तो आज मेरे पास दोस्तों एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है सेम फर्मवेयर, इसका वीडियो तो आपने यूट्यूब पर देखे होंगे लेकिन आपने सिर्फ इसके एक दो फीचर ही देखे होंगे, यानी FRP के लिए यूट्यूब ओपन करने वाला। तो आज इसको हम बताएंगे, इसके अंदर पूरा आपको इसका रिव्यू करेंगे और किस तरह से काम करता है और इसका क्या कॉस्ट होने वाला है। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसका दोस्तों सबसे पहले प्राइस की बात करें तो ये आपको 30 USD का होने वाला है, यानी कि आपको ये 2350 रुपये का पड़ेगा, लाइफ टाइम होता है। और इसके अंदर आप MediaTek, Qualcomm, MI, Vivo के डेमो मोड यानी कि ऑल इसके अंदर आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये कि सैमसंग की इसके अंदर आपको फुल सपोर्ट मिल जाती है, उसके अंदर आप फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो लेटेस्ट, और इसके अंदर आप फ्लैशिंग कर सकते हो। ओल्ड मॉडल की FRP इसके अंदर सैमसंग की आप डायरेक्ट कर सकते हो, और जो लेटेस्ट मॉडल आ रहा है उसकी आप टेस्ट पॉइंट से EDL हो या MTK हो या क्वालकॉम वो आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं जैसे ही कनेक्ट किया ये दिखा रहा है PC नॉट एक्टिवेट। तो आप इसको डाउनलोड करेंगे और इसको आपको एक्टिवेशन लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको मुझसे संपर्क करना पड़ेगा। नीचे मेरे नंबर आप देख पा रहे हैं, उससे मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको ये एक्टिवेट करके दूंगा। तो फिलहाल मैं अपना PC एक्टिवेट करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर और क्या क्या फीचर काम करेंगे। पर्सनली इस टूल बहुत बढ़िया टूल है और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कुछ दिनों से, तो मुझे ये बहुत परफेक्ट लगा। इसके अंदर आपको पूरी सपोर्ट मिल जाती है, चाहे MTK हो, चाहे क्वालकॉम हो, चाहे टेस्ट पॉइंट के आपके मॉडल हो या फिर आपका सैमसंग का हो। सैमसंग की इसमें डायरेक्ट लेटेस्ट फाइल और टेस्टेड फाइल आप डाउनलोड इसके अंदर करने को मिलेगी। यहाँ से बाईपास FRP में आके आप यूट्यूब मेथड से भी कर सकते हो, और भी 3-4 इसके अंदर मेथड आपको मिलेंगे। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो और ड्राइवर सिग्नेचर उसको भी डिसेबल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ से पहले अपना PC एक्टिवेट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये आपको हार्डवेयर ID है, आपको एक्टिवेट करने के लिए मुझे आपको हार्डवेयर ID प्रोवाइड कराना होगा, और उसके बाद यहाँ देखिए मैं अपना Gmail डाल रहा हूँ और ये मेरा अभी ही एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्टिवेशन मुझे टीम ने दिया है रिव्यू के लिए। तो इसका प्राइस भी काफ़ी कम है, 2350 रुपये का आपको ये मिलेगा, और इसका सिर्फ आपको एक ही बार एक्टिवेशन लेने का ज़रूरत है, उसके बाद ये लाइफ टाइम आपका काम करेगा। तो देखिए हमारे यहाँ से ये चेकिंग सर्वर कनेक्टेड हो चुका है, लॉगिन डन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे इसके अंदर जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे, जैसे कि अब आप MediaTek के आप 1 क्लिक में अनलॉक कर सकते हैं, चाहे MI के हों या है आपके किसी भी और अदर ब्रांड के हों। इसके साथ दोस्तों कोई भी आपको अदर बॉक्स वगैरह चाहिए या कोई भी अदर एक्टिवेशन चाहिए या कोई भी आपको हार्डवेयर टूल्स चाहिए तो नीचे मेरी आप वेबसाइट देख पा रहे हैं, उससे मुझसे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, आपको बेस्ट रेट में मिलता है मेरे पास से। एडवांस फिलेशन में आपको आने के बाद यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इनफ्लिक्स के, टेक्नो के, जो आसानी से फ्लैश नहीं होते हैं, एरर लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो है आप इनफ्लिक्स, टेक्नो के जो MTK एरर होता है उसको भी फिक्स कर सकते हैं। रेगुलर इस सॉफ्टवेयर की अपडेट आती है, और जैसा कि मैंने बताया कि लाइफ टाइम है, और यहाँ से आप एप्पल की फाइल भी जो लिस्टेड है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों बाय अगर आपको करना है तो नीचे मेरी आप वेबसाइट देख पा रहे हैं। आगे मैं इसी सॉफ्टवेयर की वीडियो और बना के अपलोड करूँगा चैनल पर, आप चैनल के साथ बने रहें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।